खबर मसूरी से, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न, रजत अग्रवाल आठवीं बार बने अध्यक्ष। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए। इस दौरान रजत अग्रवाल को आठवीं बार अध्यक्ष, जगजीत कुकरेजा को चौथी बार महासचिव, नागेन उनियाल को दूसरी बार कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अतुल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। मसूरी के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में चुनाव अधिकारी धन प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव सर्वसम्मति के साथ संपन्न हो गए हैं। मसूरी से लोक जन न्यूज संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। प्रथम आपके माध्यम से सभी व्यापारियों का, जिन्होंने मेरे पे चौथी बार ये विश्वास जाहिर किया कि संस्था का दायित्व मुझे दिया, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे संस्था के लिए एक बार पुनः काम करने का मौका मिला है। और जिस तरीके से ये हमें निर्विरोध चुना गया है, तो इस तरीके से हमारी समस्त टीम के साथ और हम ज़्यादा दायित्व हो जाता है, और आगे भी व्यापारी हित में जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं व्यापारियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। पूर्व की भांति अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। समस्त विभागों के साथ सामंजस्य बना के कोशिश करी जाएगी, किसी व्यापारी को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आ पाए, और जिस जो दायित्व उन्होंने हमें दिया है उसको मैं सफलतापूर्ण निर्वहन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। खुशी की बात है कि जो संस्थागत त्रिवार्षिक चुनाव था 2023-26 का, वो बहुत ही अच्छे स्वाभाविक माहौल में संपूर्ण हुआ, और संस्था में बिना किसी चुनाव के गतिविधि से मजबूती मिलेगी। संस्था के समस्त सदस्य संस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और हमें भी एक आशा इस बात की, क्योंकि ये मेरा स्वयं निजी तौर पर आठवां चुनाव था और 15वां वर्ष था जिस वर्ष में हम संस्था को अपनी सेवाएं देने जा रहे थे, कि मेरी भी यही उम्मीद रहेगी कि और कोशिश रहेगी कि मैं संस्था के हर एक सदस्य से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर जल्द जल्द उसका निवारण करें और संस्था को मजबूती की ओर ले जाएं। चुनौतियाँ व्यापारी वर्ग में इन 15 साल में कई रही हैं। कभी वैट आया है, कभी GST आया है, कभी फूड लाइसेंसिंग की पॉलिसी आई है, कभी कंप्यूटरीकरण की परिभाषा आई है हर एक विभाग में, लेकिन हम व्यापारियों के साथ हर हद तक खड़े हैं और व्यापारी के हर हित के लिए हर लड़ाई लड़ते रहेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लोक जन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।